आज काम से युद्ध करने के लिए भगवान ने योग माया का आश्रय दिया। अघटित घटना पटी ऐसी भगवान की माया। पर यहां सुखदेव जी राधा रानी का स्मरण योग माया शब्द से कर रहे हैं। योगाय संयोगाय या माया कृपा ताम आश्रितः। जो विमुख जीव हैं, भगवत विमुख जीव हैं, उनको भी भगवान के चरणों से जो जोड़ने का काम करती हैं अपनी कृपा के बल पर, जो राधे नाम का आश्रय लेते हैं राधा रानी, उन विमुख जीवों को भी गोविंद के पादारविंद से जोड़ करके कृपा भाजक बना देती हैं प्रभु का। इसलिए हैं योग माया। माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है, माया कृपायाम दम्भे च। अथवा युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। जो निरंतर भगवान से संपृक्त रहती हैं, पल भर को भी प्यारे से कभी पृथक नहीं होती। युज्यते भगवता श्री कृष्णेन सह संश्लिष्यते सा योगा श्री राधा। दोनों का ऐसा अद्भुत प्रेम है, कहने में दो हैं। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बोली जाती हैं दो, पर वस्तु होती है एक ही। देखो पानी में कैसी लहरें उठ रही हैं, तरंगें उठ रही हैं, तो तरंग और पानी अलग अलग है क्या? देखो चंद्रमा की चांदनी कैसी खिल रही है, तो चांदनी चंद्रमा से अलग है क्या? देखो सूर्य की किरणें कितनी प्रखर हैं, तो सूर्य की किरणें सूर्य से अलग हैं क्या? देखो इस शब्द का क्या सुंदर अर्थ है, तो शब्द से अर्थ अलग है क्या? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। इनको भिन्न भिन्न कहा ही जाता है पर वस्तुतः अभिन्न है। ऐसे ही वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये शक्तियां, देखो शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती, शक्तिमान में ही तो शक्ति है। ऐसी सीताराम राधेश्याम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण, ये कहने में दो हैं पर वस्तुतः तत्व एक है। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। ब्रह्म की एक ज्योति के ही दो प्रकाश हैं जिनको राधा माधव के रूप में हम लोग जानते हैं। हमारे अवध के राम जी ही ब्रज में दो रूपों में व्यक्त हो गए, रामा ने राधा मामा ने माधव। तो राम जी राधा माधव के रूप में अभिव्यक्त हो गए ब्रज में। तो राधा रानी का स्मरण करके माधव ने आज बड़ी मधुर मुरली बजाई और ऐसी प्यारी बंसी की तान छेड़ी कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान, देह गेह का कुछ नहीं रहा ज्ञान। सुखदेव जी उस बंसी का वर्णन करते हैं। निशम गीतम तदनंग वर्धनम, निशम गीतम तदनंग वर्धनम, निशम प्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, प्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, आजग गमदनि सनि दम गमद मगर, नि
तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य, जहां गोपियों के कान में वह दिव्य प्रेम को उद्दीप्त करता हुआ मधुर संगीत सुनाई पड़ा। भगवान ने बंसी बजाई ये तो सब कहते हैं, पर बंसी में बजाया क्या, ये रहस्य ही रह गया। कोई नहीं जान पाया कि बंसी में क्या गाया, बागेश्वरी गाया कि रागेश्वरी गाया कि मालकोस गाया या कौन सा पद गाया, गाया तो उसका बोल क्या था, कोई नहीं समझ पाया। तब भक्तों को समझाने के लिए बंसी को ही अवतार लेना पड़ा, और गोविंद का वह वेणु, वह बंसी हरिवंश महाप्रभु के रूप में धराधाम पर प्रकट हुई। और वे ही हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट करके और अपने दिव्य पद पदावलियों के माध्यम से गोविंद के गाए हुए गीतों को भक्तों के सामने अभिव्यक्त किया। बोलो बंसी वारे की।